ओके नाउ मूव टू एक्सरसाइज 3.3. क्वेश्चंस विल बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं. टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, तो इक्वेशंस को कैसे फॉर्म करना है. ठीक है, आपको एक बार कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा. साथ ही साथ पूरे इस चैप्टर में आपको दो वेरिएबल्स के साथ काम करना है. इट्स योर चॉइस कि आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, इधर एक्स वाई पी क्यू आर एस, जो भी आप दो वेरिएबल्स ले सकते हैं. इक्वेशंस आपको पता है, सॉल्व करने का जो बेसिक अप्रोच है वो भी आपको पता है. फर्स्ट अप्रोच जो हमने देख रखा है, दैट इज व्हाट, सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी हम यही क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे. बस वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की अप्रोच क्या है उसको देखते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3. 3.3 थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर. फाइंड देम. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अनदर नंबर. सो ऑब्वियस ही बात है, एक लार्जर नंबर होगा और एक स्मॉलर नंबर होगा. तो हमने डायरेक्टली अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट दी नंबर्स आर एक्स एंड वाई. टू वेरिएबल है, दो वेरिएबल चूज कर लिया, एक नंबर एक्स है, दूसरा नंबर वाई है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. तो आप इसमें लिख सकते हैं से जो लार्जर नंबर है, लार्जर बी एक्स एंड डिफरेंस बिटवीन टू नंबर है ना. तो अगर मैं यहां पे डिफाइन नहीं करूंगा कि लार्जर नंबर एक्स है, तो हम तो वाई माइनस एक्स करके भी इसको 26 लिख सकते हैं. तो हमने पहले बता दिया कि भाई लार्जर नंबर एक्स है, तो ऑब्वियस ही बात है लार्जर नंबर में से ही जब छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तभी 26 मिल रहा होगा. तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इक्वल टू 26. दैट इज इक्वेशन नंबर वन. नाउ अगली स्टेटमेंट है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. तो ऑब्वियस ही बात है जो बड़ा वाला नंबर है वो 3 टाइम्स होगा छोटे वाले नंबर से. ये कौन सा नंबर है, बड़ा वाला नंबर है, यही तो होगा 3 टाइम्स ऑफ छोटे वाले नंबर से. तो अगर लार्जर को एक्स लिया है तो स्मॉलर क्या है, वाई. तो नेक्स्ट कंडीशन क्या बन गई, एक्स इक्वल टू 3 वाई. इक्वेशन फॉर्म हो गया. यू कैन इजीली सॉल्व द इक्वेशन. सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर लेते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन में रख दें, सॉरी फ्रॉम टू यहां लिख दें, फ्रॉम टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन. सो एक्स के प्लेस पे आप रखें 3y माइनस y इक्वल 26, 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 13. इक्वेशन इसमें रख दें, क्या है यहाँ पे वन में एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 26, किसी में भी रख के आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो x का वैल्यू हो गया 26 प्लस 13, कितना हो जाएगा ये 40 39. ऑब्वियस सी बात है लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर, क्रॉस चेक भी करना है. तो अगर दोनों का डिफरेंस देखोगे तो यू विल गेट 26, और अगर 3 टाइम्स ऑफ ए स्मॉलर नंबर करोगे तो यू विल गेट 39. 13 3 39. इजी क्वेश्चन, वेरी इजी. नेक्स्ट करें, नोट डाउन करना है इसको, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो फटाक से. द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल.
सबसे पहले तो हमें सप्लीमेंट्री एंगल पता होना चाहिए क्या होता है। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यशवंत क्लियर है? सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो बोल रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब ऑब्वियस सी बात है, द लार्जर ऑफ मतलब दो जो आपने एंगल कंसिडर किए हैं उसमें से कोई एक बड़ा होगा या कोई एक छोटा होगा या बराबर भी हो सकते हैं। सपोज आपने दो एंगल का सम 90-90 ले लो, 180 डिग्री हो गया। बट अब सपोज आपने एक एंगल सपोज 60 डिग्री लिया, दूसरा क्या होगा? 120, कि 120 डिफरेंस ना। सो अब यहां पर बोल रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, तो आपने कंसिडर किया लेट थर्ड का ये सेकेंड है, लेट दी एंगल्स आर, लेट दी एंगल्स आर एक्स एंड वाई। वही चीज करें, से एक्स बी लार्जर एंगल, एक्स को बड़ा एंगल ले लेते हैं। अब सम ऑफ द टू नंबर्स विल बी 180 डिग्री होना चाहिए सप्लीमेंट्री के लिए। तो यहां लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे किया यशवंत? प्लस वाई, क्योंकि सम ऑफ टू एंगल्स शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री फॉर द कंडीशन ऑफ सप्लीमेंट्री। ठीक है, एंड दूसरा क्या बोल रहा है? टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। क्लियर हो गए? एक्स इक्वल टू वाई प्लस 18, सिंपल। जो लैंग्वेज लिखी उसको पढ़ते जाओ और इससे इक्वेशन बनाते जाओ। एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। क्लियर है ऋषि? नहीं समझ में आ रहा? एक्स, मुझे मत देखो, क्वेश्चन पढ़ो। लिखा हुआ है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। छोटा वाला जो एंगल है वो 18 डिग्री ज्यादा है बड़े वाले एंगल से। दैट इज अ हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है ना। अब दो इक्वेशन आ गए हमारे पास। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको इसको मुझे सॉल्व कराने की जरूरत है, बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? किसी भी प्रकार किसी को दिक्कत आएगी? अर्चित कैसे सॉल्व करना है इसको? सिंपल, वैल्यू रखें एक्स और वाई की, वैल्यू निकाल के बता दीजिए तो जल्दी से, क्विक, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अपना अपना करेंगे, बोर्ड में नहीं देखेंगे। कितना सेपरेट करने पे? 90। क्लियर आगे सभी का? एवरीवन लास्ट ऋषि, क्लियर? अंशुल इधर, शिवम आंसर आ गया, गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वन। रफ कर दूं इसको मैं? आप चाहो तो इन दोनों एंगल को सम करके देख सकते हो, 180 डिग्री आएगा। कशिश क्लियर है?
ओके नाउ प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम, रीड करें क्वेश्चन. द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज. ठीक है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स परचेज करता है 3800 में. लेटर शी बायस कोच फीमेल है. शी बायस 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 1750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. सो अगेन थर्ड वाला है, क्या लिखेंगे, लेट द प्राइस ऑफ बैट एक्स रुपीज, बैट की प्राइस को, एक बैट के प्राइस को एक्स रुपीज कंसिडर कर दिया. दूसरा क्या लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ वन बॉल वाई रुपीज कर लो. इक्वेशन आधे बन जाएगी, बहुत आसान है. 7 बैट, एक बैट कितने का है, एक्स का है. 7 बैट यहां आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. 7 बैट, 7 इंटू एक्स प्लस 6 बॉल, 6 वाई, कितने रुपए का आ रहा है, 3800 का आ रहा है. 3800 दूसरे बार में वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रही है, 3 बैट प्लस 5 वाई कितने में परचेज कर रही है, 1750. आई थिंक मुझे इसे भी सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है, बन जाएगा. शुरू हो जल्दी से, क्विकली सब लोग इसको सॉल्व करो. आंसर बताओ, एक बैट और एक बॉल का कितना आएगा. फोर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज लिटिल बिट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. कॉन्सेप्ट का मतलब है, इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बेसिक सी एक स्टोरी बता दूं ताकि आपको एक क्लियर हो जाएगा. सब लोग, मैक्सिमम लोग अभी कार सर्विसेज को यूज़ करते हैं, ओला उबर, जिन लोगों ने भी किया हो जानते हैं. मोबाइल ऐप से हम लोग ओला बुला सकते हैं और चार्जेस जो भी है उसके पे करके हम लोग अपना ट्रैवल कर सकते हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि किसी ने बोला कि मैं ए प्लेस से बी प्लेस तक जाने का, या वॉट एवर कोई डिस्टेंस फिक्स कर लो कि मैं 50 किलोमीटर का तो आपसे 200 रुपये लूँगा, 50 के ऊपर जाओगे तो पर किलोमीटर का मेरा चार्ज अलग हो जाएगा. टैक्सी सर्विसेज वाले ऐसे ही करते हैं जनरली. बोला भैया तुमसे 20 किलोमीटर का 200 रुपये लेंगे, अब तुम अगर 20 के ऊपर जितना चलते हो, मान लो 2 किलोमीटर चलते हो, तो मैं पर किलोमीटर का तुमसे 8 रुपये लूँगा, जैसे एग्जांपल 10 रुपये लूँगा, 20 रुपये लूँगा. इस तरीके की एक लैंग्वेज होती है. तो इस क्वेश्चन में भी वही अप्रोच है. ठीक है, अगर आप एक बार इसको केयरफुली, मैं रीड कर रहा हूँ, आप बुक में देखें और वर्ड टू वर्ड उसको मैच करें. देखिए लिखा हुआ है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105 रुपीज, एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155 रुपीज. वॉट विल बी द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर. हाउ डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. ठीक है, सो सेम कॉन्सेप्ट है. अगर हम इसमें देखें द फोर्थ वन, अगर हम बात करें कि लेट द फिक्स्ड चार्जेस, लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी एक्स रुपीज, कितना है, एक्स रुपीज है फिक्स चार्ज, एक्स रुपीज. तुम को अगर 2 किलोमीटर भी जाओगे तो भी हम तुमसे 20 किलोमीटर का ही पैसा लेंगे, फिक्स चार्ज है वो. ठीक है, तो लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड वेरिएबल चार्ज, और एक कौन सा चार्ज है, वेरिएबल चार्ज है बी वाई रुपीज. अब इक्वेशन क्या बन रही है, आप फिक्स्ड
तो करनी पड़ेगा, ऐड करनी पड़ेगा। उसके बाद वो आदमी कितना चल रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर चल रहा है इंटू वाई, 10 किलोमीटर चल रहा है इंटू, ये ऊपरी वाला है, ऊपर वाला 10 किलोमीटर और गया। अब देखते हैं वाई की वैल्यू कितनी आएगी, उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने पैसे लग रहा है उसको, 105 रुपए लग रहा है ऐसा करने में। अभी नहीं पता है कि इसमें वो फिक्स चार्ज कितना ले रहा है, निकालना पड़ेगा। दूसरी इक्वेशन क्या है, वहां पे बोल रहा है कि भाई फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, और कितना चल रहा है वो 15 किलोमीटर, 15 × y, और कितने पैसे लग रहे हैं 100, 155 रुपीज। तो आपको ये दो इक्वेशन बन गई, ठीक है, बन गई। सॉल्व कर सकते हैं इसको, स्टार्ट करें जल्दी से सॉल्व करना। अभी करेंगे, पहले आप x और y निकालो, है ना, कि फिक्स इतना है और जो वेरिएबल चार्ज है वो इतना है, फिर 25 किलोमीटर का अपन निकाल लेंगे, ठीक है। 25 किलोमीटर का निकालने का बहुत आसान तरीका है, फिक्स चार्ज तो लगेगा लगेगा, और 25 में जो y का आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको 25 किलोमीटर का मिल जाएगा। क्लियर है, जल्दी करिए सब लोग, क्विक x और y की वैल्यू निकालिए सब लोग। ओके ना, एक बार और देख लो, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x 5 रुपीज, दैट इज अ फिक्स चार्ज, एंड वेरिएबल चार्ज 10 रुपीज। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर का कितना चार्ज लगेगा, ठीक है, तो फिक्स तो लगेगा लगेगा 5 रुपए, 5 को तो पहले ही ऐड कर दो, प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 10, 255। अगर आपसे वो बोलता कि बताओ 55 किलोमीटर का कितना लगेगा, तो क्या करते, 55 मल्टीप्लाई बाय 10, और 5 को तो ऐड करते ही करते, वो तो फिक्स चार्ज है। अब वो फिक्स, हाँ, अब वो फिक्स चार्ज वो ये बोल के ले कि मैं टैक्सी का चार्ज ले रहा हूँ, मैं मेंटेनेंस कॉस्ट ले रहा हूँ, या कुछ भी बोले, व्हाटएवर, देना है अपन को 5 रुपए, उसके ऊपर के अपन निकाल लेंगे। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नाउ इसको देखिए, लिखा हुआ है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन पता होना चाहिए क्या है, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। फ्रैक्शन ऐसे होता है, एक न्यूमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, एंड द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर को जीरो कर दोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड। तो लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, न्यूमिरेटर को आपने एक्स लिया, डिनोमिनेटर को आपने वाई लिया हो, वाई, ठीक है, जरूरी नहीं है आप एक्स अपॉन वाई लो, आप वाई अपॉन एक्स भी ले सकते हो, न्यूमिरेटर वाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर एक्स हो जाएगा, बट अभी हमने ये कंसिडर किया हुआ है। आगे देखते हैं, बोला अ फ्रैक्शन बिकम्स, फ्रैक्शन हो जाता है 9/11 कब, इफ टू एडेड टू बोथ द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो जोड़ने पर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दें, अकॉर्डिंग टू, देखिए मैं लिखने में कंजूसी नहीं करता हूं, आपको भी नहीं करनी है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर में भी दो ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में भी दो ऐड कर दो, फ्रैक्शन क्या बन जाता है 9/11, ये इक्वेशन वन हो गई। अभी बनाते हैं इसको, प्रॉपर कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ 3 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स 5/6, वेरी इजी। तो x प्लस 3 एंड y प्लस 3 कितना जाता है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ध्यान से, 11x प्लस 22, 9y प्लस, ये किसको समझ में नहीं आया अर्चित, क्लियर है, सिंपली जस्ट मल्टीप्लाइंग, क्रॉस मल्टीप्लाई विद द नंबर्स, गॉट इट, इधर लेके आओ सबको, नंबर को उधर लेके चले आओ, 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस
22 कितना जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू कितना माइनस 4, ये इक्वेशन वन बन गया। ठीक है, इधर आ जाए 3x प्लस 6 3 जा 18 एंड 5y सॉरी 6x एंड 5y प्लस 5 3 जा 15, इधर ले आओ 6x 15 माइनस 18 तो 6x माइनस 5y इक्वल टू आई डोंट थिंक सो कि इसको मुझे सॉल्व कराने की जरूरत है, करिए पटाख से x और y की वैल्यू निकालिए। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अर्चित कि आप सबसे पहले आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए कम ऑन करिए सॉल्व जल्दी से। मेथड है टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। क्या है, क्या हो गया, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। देखिए सीधे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट प्रॉब्लम है। टू इक्वेशंस गिवन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। देखिए बहुत इजी है, हमें किसी भी अचित कॉन्सेंट्रेट, हमें किसी भी एक वेरिएबल के जो कोफिशियंट है उसको इक्वल कर लेना है। तो प्रोसेस में हम पहले x के वेरिएबल को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, हम क्या लिखते हैं इक्वेशन नंबर, जस्ट वेट वेट वन मिनट अर्चित ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। इस इक्वेशन में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, किसमें करेंगे मल्टीप्लाई, 2 का, इसमें 2 का और इसमें 1 का। हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इतना करने के बाद हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां माइनस साइन, ये प्लस, माइनस क्या जाएगा प्लस और यहां पे माइनस, ये कैंसिल हो गया सिंपली, यही कहलाया एलिमिनेशन मेथड। दिस इज एलिमिनेट, हमने एक जो हमारा वेरिएबल है उसको एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ कितना बचा, 5y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 अपॉन 5 आ गया। इसमें रख दें पहली इक्वेशन में, x प्लस 6 अपॉन 5 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 माइनस 6 अपॉन 5, 5 5 जा 25, 25 माइनस 6 19 अपॉन 5, चेक कर लो पीछे एक बार आंसर सही है। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एलिमिनेशन सॉल्व करने में। इसके बाद इसका एक थर्ड नंबर वाला जो प्रॉब्लम है उसको देख लेते एक बार, थर्ड नहीं इट्स फोर्थ वाला, फोर्थ वो भी बहुत इजी है, सिंपली उसको अरेंज करना है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, हाँ एलसीएम लेके, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 1 एंड x माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 3। तो पहले जो ऊपर वाली इक्वेशन लिखी है उसको सॉल्व कर लेंगे कशिश हम। ठीक है, एलसीएम ले लें, क्या आएगा एलसीएम, 6 2 3 जा 6 3 1 जा 3 3 2 जा 2 2 जा इक्वल टू माइनस 1, उसको थोड़ा सा और इधर कर देता हूं मैं, कितना हो गया ये 3x प्लस माइनस 6, इक्वेशन 1 आ गया। इसको देख ले यहां पे 3x माइनस y इक्वल टू 9, डायरेक्ट कर दिया मैंने, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, स्टैंडर्ड ऐसा बन गया, एलिमिनेट कर दो आप।
सारा वो तो डायरेक्ट कैंसिल आउट जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। कभी कभी एलिमिनेशन मेथड में इक्वेशन आपको सपोज ऐसा गिवन है, 6x माइनस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस 9y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो क्या करना है, ये वाले जो कांस्टेंट हैं जिनके साथ वेरिएबल नहीं है उनको उधर लेके चले जाओ, पहले उधर लेके चले जाओ, तभी आपको इजी होगा करने के लिए। कर ऐसे भी सकते हो आप, लेकिन ज्यादा अच्छा प्रोसेस होगा कि इन दोनों नंबर्स को पहले इधर लेके जाओ, देन एलिमिनेशन लगा लो। क्लियर है एवरीवन?